ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लिख के ड्रॉ करके ढंग से समझाऊंगा कि विजुअलाइजेशन करना क्यों इतना जरूरी है, कैसे मैं विजुअलाइजेशन करके अपने जो सपने हैं उनको मैं प्राप्त कर पाऊंगा। इस वीडियो में हम तीन स्टेप समझेंगे कि कैसे मुझे विजुअलाइजेशन करना है, तीन ऐसी गलतियां जो हम विजुअलाइजेशन करते समय करते हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जब मैं विजुअलाइजेशन सही सही करूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं जिसने इस वीडियो को समझ लिया और उसने अमल किया उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। विजुअलाइजेशन एक ऐसी सुपर पावर है जो सिर्फ हम इंसानों के पास है और किसी के पास नहीं, कोई भी जानवर वो विजुअलाइज नहीं कर पाता है, तो हम इस सुपर पावर को क्यों नहीं यूज करते। चलिए समझते हैं, स्क्रीन पे आते हैं और ढंग से हर एक एक चीज को हम निचोड़ के समझेंगे और अपने माइंड में डाल लेंगे। तो आप स्क्रीन पे आ चुके हैं। ब्रेन को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है आइसबर्ग का, मैं यहां लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। आइसबर्ग अगर आपको नहीं पता तो टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होगी जिसमें टाइटैनिक शिप आइसबर्ग से टकराता है, राइट। तो आइसबर्ग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ऊपर से वो बहुत छोटा सा दिखता है और नीचे बहुत विशाल होता है। सेम लाइक अवर ब्रेन, हमारे माइंड की तरह, हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कॉन्शियस, हमारा चेतन मन, और हाँ सबकॉन्शियस जो कि है अवचेतन मन। जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% वर्क करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% वर्क करता है। अब ये कॉन्शियस माइंड जो हमारा चेतन माइंड है ये होता है लॉजिकल माइंड। लॉजिकल मतलब कि बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी ढूंढता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बार बार बोल लें कि मैं अमीर हूं और आपके बैंक बैलेंस में 0 रुपए हैं, आप 98 नहीं है, तो वो लॉजिकल माइंड जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो कहेगा कि बेवकूफ ना बनाओ, तुम गरीब हो, ठीक है। बट जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करता है किस पे? इमोशंस पर। अब समझना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस कभी कभी विपरीत भागते हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जो उनके इमोशंस होते हैं और जो एक्चुअल लाइफ में चल रहा होता है वो बिल्कुल विपरीत होता है, और तभी ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है वो साथ में दोस्त नहीं बन पाते हैं। और मुझे जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की दोस्ती करनी पड़ेगी, उसका अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो यहां से आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, जो मेरा लॉजिकल माइंड है, उसको ऐसे प्रोग्राम करता है कि जो वो 10% है वो वर्क करे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू रिप्रोग्राम करके। जो मेरे इमोशंस हैं वो कैसे वर्क करे? ऑटो पायलट की तरह है। ऑटो पायलट आप समझते हैं, जैसे टेस्ला कार्स होती ना कि आपने बस कमांड दे दिया कि मुझे यहां पहुंचना है तो वो कार आपको वहां तक पहुंचा देगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड जो 90% वर्क करता है, मेरे माइंड का यूज है, उसको मुझे ऑटो पायलट पे लगा देना है। कहां? मेरे सक्सेस की तरफ। और वो कैसे होगा? वो हम करेंगे विजुअलाइजेशन से। अब आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये जो मेरा ब्रेन है इसको पता नहीं है कि क्या चीज असली है और क्या चीज नकली है। What is real and what is fake, उसको नहीं पता। आप अपने माइंड में कोई भी मूवी बना सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, और वो आपका जो माइंड है वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा जब आप उसको बार बार समझते हैं। मेरी बॉडी हर जगह नहीं जा सकती बट मेरा माइंड कहीं भी जा सकता है। अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं तो आप अपने माइंड में बंद करके आंख में हॉगवर्ट्स के बारे में सोच सकते हैं तो आपके सामने हॉगवर्ट्स आ जाएगा, इतनी शक्ति होती है। अब आप बहुत लोग यही सोचेंगे इस समय कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो पहली चीज हमको समझनी पड़ेगी वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस भी डाल देता हूं मैं, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं हमको समझाने से खुद के, कि जब मैं कोई चीज सोच रहा हूं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, फॉर एग्जाम्पल आपको खूब सारे पैसे कमाने हैं, अगर आप सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे फोटो डाल देता हूं जिससे कि आपका लक्ष्य है पैसे कमाना, तो जब आप सोच रहे हैं पैसों के बारे में तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है? अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। दैट मींस कि मेरा जो माइंड है वो सोच रहा है कि हाँ ये रियल चल रहा है। बट अगर आप गलत फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो बेवकूफ बना रहा हूं, तो दैट मींस कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो हावी हुआ पड़ा है, वो सिर्फ 10% हावी हुआ पड़ा है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं कर पा रहा है। तो फीलिंग्स और इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
सेकंड होता है हमारे स्टडीज जो हुई हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं जो इसने बताया है कि रियल और फेक में हम अंतर कर सकते हैं। कुछ साल पहले साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी जिसमें 10-10 लोगों को दो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक ग्रुप को दिया गया था पियानो और ढंग से उन लोग को सिखाया गया था कि पियानो कैसे बजाना है, बल्कि दूसरे ग्रुप को सिर्फ कहा गया था अपने माइंड में सीखो, आपको वीडियोस दे दिए गए हैं और आपको बस देख के समझना है कि कैसे आप पियानो बजा सकते हैं, अपने माइंड में चलाओ। एक हफ्ते का टाइम दिया गया था दोनों ग्रुप्स को, और जब रिजल्ट टाइम आया, जब दोनों ग्रुप से कहा गया कि बजाओ एक्चुअल में पियानो, तो रिजल्ट शॉकिंग थे क्योंकि कोई फर्क था ही नहीं। माइन्यूट सा 1-2% का डिफरेंस था, दैट्स इट। इसका मतलब कि हमारे जो माइंड में इतनी ताकत होती है कि उसको पता ही नहीं होता कि क्या रियल है और क्या फेक है। और एक और स्टडी हुई थी, तीसरी स्टडी, दैट इज प्लसीबो। प्लसीबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। इसमें डॉक्टर्स शुगर पिल्स देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक ग्रुप को एक्चुअल में सर में दर्द हो रहा था तो उनको सिर्फ शुगर पिल्स दे दी गई थी, शक्कर की गोलियां दे दी गई थी। उनसे कहा गया था ये एक्चुअल में दवाई है जो आपके सर दर्द को ठीक कर दी थी, वो सिर्फ एक शक्कर की गोली थी, बट उनको इतना यकीन था क्योंकि एक डॉक्टर ने उनको एक पिल दी है, एक दवाई दी है, तो उनका दर्द ऐसे ही ठीक हो गया था। दैट मीन्स कि मेरे माइंड को नहीं पता कि क्या सच है और क्या गलत है। अब आपके भी माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये वर्क करता है। सारी स्टडीज हर चीज में आपको बता दी है। और जिन लोगों को भी डाउट हो रहा है ना कि वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर इंसान विजुलाइज कर सकता है, उसके माइंड में इतनी ताकत होती है। आप अभी अगर आंख बंद करके अपने फ्रिज को विजुलाइज करें, अपने जो आपके जो किचन में जो फ्रिज है उसको विजुलाइज करें, कलर देखें, सब कुछ किचन को विजुलाइज करें, तो आपकी आंखों में इस समय एग्जैक्ट वो फोटो आ रही होगी। तो विजुलाइज हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बस हमको ये समझना जरूरी है, मेरा जो चेतन मन है और अवचेतन मन है उसको समझना। इतने टाइम से जो आप फेलियर का सामना कर रहे हैं वो पता है क्यों है? उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की। हमको बचपन से ही कुछ ऐसी चीजें सिखाई गई हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमको फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं। जैसे कि बहुत से घरों का माहौल बहुत खराब होता है, बहुत से लोग बोलते रहते हैं ना कि पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ता है तब जाके पैसे आते हैं, और यही चीज सुन सुन के बच्चा बड़ा होता है। उनके घर का माहौल, किस तरह से आप पले बड़े हैं, एनवायरमेंट, सोसाइटी, बहुत इंपैक्ट करता है। तो चलिए आज हम चेंज करते हैं ये सारी चीजें, एक बार में हर चीज खत्म करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का जड़ निकालते हैं। तो हम समझते हैं क्या 3 steps विजुलाइजेशन के जो बहुत जरूरी हैं। पहला स्टेप है कि हमको इमेजिन करना है सॉल्यूशन। आपका जो भी सपना है, आपका जो भी गोल है, आपको इमेजिन करना है कि मुझे क्या चाहिए और उसका एंड गोल क्या होगा, यानी कि इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्यूशन पैसा है तो आप अपने आप को देखिए और एंड में क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड में रिजल्ट आ रहा है हैप्पीनेस, राइट? हैप्पीनेस, तो हमको घूम घाम के हैप्पीनेस पे ही जाना है। अगर मुझे कोई नौकरी मिल रही तो मेरे अंदर हैप्पीनेस आ रही है। अगर मुझे जिससे प्यार है उससे मुझे शादी करनी है तो मेरे अंदर हैप्पीनेस आ रही है, राइट? तो मुझे एंड रिजल्ट चाहिए, जो सॉल्यूशन चाहिए, और वहां से मेरे अंदर क्या इमोशन आ रहे हैं, हैप्पीनेस, खुशियां। उस खुशियों को मुझे अपने अंदर रखना है, ये मुझे विजुलाइज करना है। सेकंड है रिपीट। अब रिपीट हमको कब करना है? हमको करना है मॉर्निंग में और नाइट में। ये बहुत जरूरी है, ये दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जब हम सुबह उठ रहे होते हैं तो मेरा कॉन्शियसनेस आ रही होती है, सबकॉन्शियस लेवल धीमे धीमे कम हो रहा होता है, तो तब मैं बार बार अगर सोचूंगा, उठते ही मैं सोचूंगा, मोबाइल फोन नहीं देखूंगा कि मुझे क्या चीज विजुलाइज करनी है उसका सॉल्यूशन, तो मेरा माइंड वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाएगा। और नाइट में क्या होता है, मेरा जो चेतन मन है वो कम होने लगता है और जो मेरा अवचेतन मन है वो बढ़ रहा होता है। और 8-9 घंटे जितने भी घंटे आप सोते हैं उतनी देर अवचेतन मन काम करता है। तो रात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोते समय आप विजुलाइज करें जो भी आपका एंड रिजल्ट है, और वही सोचते सोचते हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ सो जाइए। एंड थर्ड इज फील इट। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, आपको फील करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो मेरे इमोशंस हैं और जो मेरे फीलिंग्स हैं वो मेरे को बताते हैं कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा। अगर मुझे सोच के गड़बड़ लग रहा है तो इसका मतलब जो मेरा लॉजिकल माइंड है वो मुझ पे हावी हो रहा है, मुझे उसको हटा के अच्छी फीलिंग लानी है
और वो कैसे होगा, रिपीट कर करके, रिपीट कर करके, रिपीट कर करके, तब मेरे अंदर फीलिंग आएगी और वो अच्छी फीलिंग आएगी। और वही सीक्रेट है जो विजुअलाइजेशन करने में बहुत मदद करेगी, और वहां से आपका जो भी सपना है वो आपके पास हासिल होगा। अब तीन मिस्टेक्स हमको समझनी है जो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं और हमको उसको चेंज करना ही करना है। पहला है, हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं है। मेरे पास अगर एक वीडियो में 100 कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें 10 लोग तो ऐसे ही होंगे जो कहेंगे बिल्कुल बकवास है, कोई काम नहीं करता। आप उसको माने, हाँ वर्क करता है, आप उसको ना माने, वो वर्क नहीं करता है, दोनों में ही आप बिल्कुल सही है। बट अगर आपको इसको वर्क करना है तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और मेरा मानना यह है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको अच्छी फीलिंग तो दे रहा है, आपको खुशियां ही तो दे रहा है, करने में क्या जा रहा है? तो पहले अंदर जो भी डाउट्स हैं, तभी मैंने इतना टाइम लिया इस वीडियो को समझाने के लिए। आई होप आप अभी तक हैं इस वीडियो में और एंड तक भी रहिएगा, बहुत जरूरी है आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। ट्रस्ट लाइए, मेरी बातों में ट्रस्ट लाइए, करिए इसको, एंड आई कैन गारंटी यू, जब उस ट्रस्ट से आप करेंगे, उस विश्वास से आप करेंगे, उस भक्ति से आप करेंगे, क्योंकि रिलीजन हम ईश्वर को जब याद करते हैं पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करते हैं, तो इस चीज को भी वैसे ही करिए, ट्रस्ट के साथ करिए, बिलीव मी, उस फेथ के साथ, उस यकीन के साथ वो काम करेगा ही करेगा। सेकंड, डेस्पिरेशन। भाई इसको हटा देना, हमारे अंदर बहुत डेस्पिरेशन है क्योंकि हम बहुत डरे हुए लोग हैं। हमारे अंदर आता ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे बहुत मेहनत करो, बहुत काम करो तभी फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डेस्परेशन बताती है खूब मेहनत कर। देखिए मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा, अगर मेहनत ही कर रहे होते तो जो रिक्शे वाले हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा बट ये फैक्ट है, वो जो रिक्शे वाले हैं बेचारे जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो सबसे ज्यादा अमीर होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है, ऑटो पायलट पर चलाना है, जिससे कि आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और करोड़पति अरबपति लोग हैं ना, वो इतना काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं, उनको करवाना आता है, वो लोग हायर करते हैं और वो उनके लिए काम करते हैं और वो आराम करते हैं, ऐसा रूल है। तो डेस्परेशन नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, आपके अंदर एक इंस्पायर्ड एक्शन आना चाहिए कि हाँ मुझे मन कर रहा है करने का क्योंकि मुझे पसंद है ये काम, वो करिए आप, वहां डेस्परेशन नहीं होती। तो डेस्परेशन हटा दो कि भाई करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत मेहनत है, ये है वो है, स्ट्रगल बहुत भरी हुई है जिंदगी में, तो मुझे डेस्परेशन दिख रहा है, नहीं उससे कभी नहीं मिलेगा, विजुलाइजेशन होगा ही नहीं, और हुआ भी तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। थर्ड इज ब्लैंक माइंड। ये समझना बहुत जरूरी है भाई, हमारे माइंड में इतने सालों से कचरा भरा हुआ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है नेगेटिविटी से, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है फेलियर की तरफ, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक शायद ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियो, ऐसे लोग, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी चीजें आपको मिली हुई हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। तो पहले मुझे अपने माइंड को ब्लैंक करना पड़ेगा, मेरा जो ब्रेन है मुझे उसे खाली करना पड़ेगा और इसमें मुझे भरना पड़ेगा पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी कैसे होगी? जब आप बार बार उस चीज को रिपीट करोगे, जब आप बार बार विजुलाइज करोगे, स्टार्टिंग में जो लॉजिकल माइंड है जो सिर्फ 10% है वो उसे खारिज कर देगा, वो कहेगा नहीं ये गलत है, पर जब आप इसको बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो चीजें चेंज होने लग जाएंगी, जो मैं आपको आगे बताता हूं कि वेन जब हम इसको विजुलाइज करते हैं करेक्टली, बार बार रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, इस ग्राफ से बताता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। यह है ग्राफ, ये है आपकी लाइफ, ठीक है, ये आप है, ठीक है। अब आपका जो भी गोल है उसके प्रति अगर आप जो भी सोचते हैं तो वो आप ऐसे सोच रहे हैं और ये जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ। अभी ये ग्राफ इस समय चल रहा है आपका इस तरह से। इस वीडियो को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, आप जब चीजें करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, आप ही होगे यहीं पे, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। क्योंकि कैसे? क्योंकि आपको अंदर से पता लगने लग जाएगा कि आपकी फीलिंग कैसी आ रही है, आप अच्छा फील करने लग जाओगे। अभी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप चीजें सोचना लग जाओगे, चाहे वो प्यार की बातें हो, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप उसके बारे में फील करोगे, आप अंदर से खुश होने लग जाओगे, है ना। आप अगर पैसों के बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास पैसे भी अब खूब सारे आ जाएंगे, राइट। तो ये चीजें होंगी,
बट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज होती है कॉल्ड डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जब रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये चीजें जब आप सोच रहे हैं तो आपकी जो फीलिंग है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो अगर हाई है तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर तो जा रहा है, आपको शायद ना दिखे बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया में आपको शायद ना दिखेगा, बट अंदर ही अंदर आप फील कर पाएंगे कि हाँ मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। मैं पहले नेगेटिव रहता था, सुबह उठता था तो पसीना आता था, टेंशन होती थी कि आज कैसे होगा क्या होगा, अब वो फीलिंग नहीं आ रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि मुझे यकीन आ रहा है, मेरे अंदर विश्वास बढ़ रहा है, वहां से मेरी चीजें चेंज हो रही हैं। और आई कैन गारंटी यू दैट एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी। अब बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कब आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा इनर सेल्फ, यानी कि जो मेरी अंदर की दुनिया है वो कितनी ताकतवर है। अगर अंदर की दुनिया मेरी ताकतवर है तो वो बाहर की दुनिया को मुझे हिला नहीं पाएगी। दूसरा जो मुझे मैंने आपको बताया, मेरी बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है, मैं कितना यकीन कर पा रहा हूं। जितना ज्यादा यकीन होगा आपके अंदर उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो ने काफी कुछ आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, आई होप आपका माइंडसेट काफी चेंज हुआ होगा। विजुअलाइजेशन करिए, ये सारी चीजें करिए और आपकी जिंदगी बिल्कुल पलट के रह जाएगी। आपको और अच्छा ढंग से जानना है, हर चीज समझनी है तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए, वहां से तो आपकी पूरी हर चीज मैंने समझाई हुई और बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। आई कैन गारंटी यू दैट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक नमस्ते, बाय बाय।